खबर पूंछ से है, जहां पर हमला करने वाले दो आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। सेना ने आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सर्च ऑपरेशन का आज लगातार तीसरा दिन है। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश तेज की गई है। पूंछ में आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कई जवान घायल हुए थे, और इसके बाद से ही लगातार तीसरे दिन सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। दो आतंकियों का स्केच बना लिया गया। स्केच इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है सेना की ओर से। वांटेड लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया है, जिन्होंने सेना के आर्मी के जो गाड़ियां जा रही थी उस पर हमला किया था, और इस हमले में कई जवान घायल हो गए थे। तो इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद सेना फुल एक्शन में है। जंगल में भागे आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। सेना की पैरा कमांडो टीम हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी लगातार निगरानी कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। जंगल के चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमले के बाद से सेना के जवान फुल एक्शन में हैं। जंगल में चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही है। एक से बढ़कर एक घातक हथियारों के साथ सेना के धाकड़ जवान जंगल में उतर गए। इस तलाशी अभियान में आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना के जवान ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ। इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुआ और 4 जवान घायल हो गए। हमले के बाद आतंकी पास के घने जंगलों में भाग गए। आतंकियों की इस कायराना करतूत के बाद पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई। आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों ने पूरी ताकत के साथ जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक वायुसेना की गाड़ी पर हमले में एक असॉल्टर राइफलों के अलावा M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का इस्तेमाल भी किया गया था। उसी के बाद से ही सेना के पैरा कमांडो की टीमों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया है।